नमस्ते एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय प्रिशान पूजा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बच्चों के लिए टेस्टी एंड हेल्दी रेसिपी कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। आपने मखाने का नाम तो सुना ही होगा, अगर नहीं भी सुना है तो मैं आज आपको बच्चों के लिए मखाना कितने फायदेमंद है वो बताऊंगी। ये सुनकर आप बच्चों के डेली डाइट चार्ट में मखाने को ऐड करोगे। मखाने को फॉक्स नट या कमल का बीज भी बोलते हैं। इसकी खेती पानी के ऊपर होती है, इसके लिए उसके ऊपर किसी भी प्रकार का केमिकल का छिड़काव नहीं होता है, जिसके कारण मखाना ऑर्गेनिक फूड की लिस्ट में शामिल है। बच्चों से लेकर बड़ों तक मखाना बहुत ही लाभदायक है। मखाने में प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, मिनरल्स, न्यूट्रिशन जैसे तत्वों का समावेश है। इसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके कारण बढ़ते बच्चों के हड्डियों के लिए फायदेमंद है। तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं रोस्टेड मखाना और मखाने की खीर की रेसिपी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। रोस्टेड मखाना बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना, जो आपको किराना स्टोर में आराम से मिलेगा, स्वादानुसार नमक और घी। पहले हम लोग गैस चालू करेंगे, फिर उसके ऊपर पैन रखेंगे। फ्लेम को हमें फास्ट ही रखना है। उसके बाद मैं इसमें 2 चम्मच घी ऐड करूँगी। फिर मैं यहाँ 2 बाउल मखाना ले रही हूँ, ताकि मुझे इसमें एक तो मखाने की खीर और मखाने का रोस्टेड मखाना बनाना है। रोस्टेड मखाना बेस्ट है, जब कभी भी आप ट्रैवल के लिए बाहर जाते हो तो इसको एयर टाइट कंटेनर में कैरी भी कर सकते हो, क्योंकि पता ही है आपको हमारे बच्चे बाहर जाते हैं तो वेफ़र्स, चिप्स ये सब मांगते ही रहते हैं, तो वो सब बाहर का देने से अच्छा क्यों हम लोग ये अच्छी चीज़ क्यों नहीं दे सकते बच्चों को। रोस्ट किया हुआ मखाना एयर टाइट कंटेनर में ही रखे, अगर बाहर रखोगे तो नरम हो जाएगा। ये देखो मखाना अभी रोस्ट करके हो ही गया, मैं आपको एक मखाना फोड़ के दिखाती हूँ। आपको दिख ही रहा होगा ये क्रिस्पी हुआ है। इसमें से थोड़ा मखाना मैं खीर के लिए निकाल के रखूंगी। बचे हुए मखाने में अभी मैं नमक डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। नमक आपको ज़्यादा ही दिख रहा होगा, लेकिन वो नमक नहीं लेना है, सिर्फ ऊपर ऊपर से मखाना ही निकाल के लेना है। हमारी बच्ची का स्नैक्स अभी रेडी है। कभी कभी बच्चों को लूज़ मोशन हो जाता है, तो ये लूज़ मोशन के ऊपर बहुत ही असरदार है रोस्ट किया हुआ मखाना। मखाने की खीर बनाने के लिए हमें चाहिए मखाना, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपने देखा ही है कि मैंने आधा मखाने में नमक डाला था और आधा ऐसे मैंने निकाला था, तो ये रोस्ट किया वो मखाना है। मैं ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करूँगी। ड्राई फ्रूट्स बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है, प्लस ये बच्चों का वज़न बढ़ाने के लिए भी मददगार है। इसमें मैं ऐड करूँगी शक्कर। शक्कर ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि मैं शक्कर प्रेशर को ज़्यादा देती भी नहीं हूँ, ये सिर्फ टेस्ट के लिए हमें डालना है शक्कर। उसके बाद 1 बाउल दूध चाहिए मुझे और केसर। पहले हम लोग गैस चालू करेंगे। हाँ। उसके ऊपर छोटा सा मंडी रख देंगे। हाँ। ये मैं कच्चा दूध ले रही हूँ। हाँ। इसको हम लोग बॉईल करेंगे अच्छे से। हाँ। दूध बॉईल होने तक मखाना और ड्राई फ्रूट्स का पाउडर करेंगे। मखाने को मैं मिक्सर जार में पीसूंगी। अगर आपका बच्चा अच्छे से खा रहा है, चबा सकता है, तो आप अखा भी मखाना यूज कर सकते हो, लेकिन मेरी बच्ची नहीं अच्छे से खाती, इसके लिए मैं मखाने को मिक्सर में ग्राइंड करूंगी और इसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके उसको भी मिक्सर में ऐड करके उसके पाउडर बना के लूंगी। अगर आपके बच्चे खाते हैं अच्छे से, तो मैं तो बोलूंगी इसका भी पाउडर मत करो, इसके भी टुकड़े टुकड़े करके आप मखाने की खीर में डाल सकते हो। इस तरह दिख रहा है अभी, आप देख रहे हो दूध अच्छे से बॉईल हुआ है। अभी इसमें हम लोग जो पाउडर बनाए थे मखाना और ड्राई फ्रूट्स का, वो ऐड करेंगे। और स्वादानुसार थोड़ा लाइटली डालना है शक्कर। हाँ। टेस्ट के लिए सिर्फ। इसमें आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हो। स्लो फ्लेम में इसको अच्छे से मिक्स करना है, नहीं तो ये फास्ट रखोगे फ्लेम तो ये नीचे चिपक जाएगा भंडी को। मखाने की खीर रेडी है अभी, फुल क्रीमी दिख रही है एकदम। स्नैक्स और मखाने की खीर अभी रेडी है, तो चलो देखते हैं कि प्रिशा इसको कैसे रिस्पॉन्स देती है। प्रिशा क्या खाएगी पहले, मखाना या खीर? मखाना। हाँ खा। वाव।
कैसा है मखाना पिशु? वाह। मखाने की खीर प्रीशा ने पूरी कंप्लीट खा ली है, और जो रोस्टेड मखाना है प्रीशा धीरे धीरे एंजॉय करके खाएगी ना। हाँ। और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए प्रीशा, बाय बोलिए। बाय।